भाई ये दो क्लास इकट्ठी लूंगा अब मैं, कुलवीर सर वाली क्लास में लूंगा, तो बाकी साथी हैं उनके लिए मैसेज छोड़ दो। संदीप संदीप रोल नंबर 44 सुन रहे हैं क्या मेरी आवाज? यस सर, तो सबके लिए मैसेज, यस सर, क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ओके सर। तो भाई लास्ट हम लाइसेंसिंग रेगुलेशन कर रहे थे और मैंने बताया था कि हर रेगुलेशन के साथ में कंपेंडियम दे रखा होता है। कंपेंडियम में कोई एडिशनल चेंजेस हुए हैं या कोई एडिशनल ऑर्डर निकले हैं तो उसके हिसाब से मॉडिफाई किया होता है अपने रेगुलेशंस को, वो फाइल होती है ये। तो रेगुलेशंस में हम जब लास्ट बात कर रहे थे वो शेड्यूल 4 की हम बात कर रहे थे, और शेड्यूल 4 के अंदर पार्ट 2 ये अपने को स्टार्ट करना था। अब पार्ट 2 के अंदर
स्क्रीन पे दिख रहा है सबको भाई? अरे स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? यस सर। तो पार्ट टू के अंदर जनरल रिक्वायरमेंट्स दी हैं हाइजीन और सैनिटरी कंडीशंस को लेके, जो कि सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर को फॉलो करनी है, चाहे वो स्टेट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है चाहे वो सेंट्रल लाइसेंस के लिए। तो इसमें जितने भी ये जीएमपी वाली बातें हैं, जीएचपी की बातें हैं, वो इसमें पैरावाइज दी गई है कि पहले लोकेशन और सराउंडिंग, कि लोकेशन कैसी होगी और सराउंडिंग कैसी होगी, कि आसपास कोई भी जहां पे भी ये फैक्ट्री बनाओगे वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जिसके अंदर से गंदी स्मेल, फ्यूम्स या धुआं, केमिकल, कोई भी बायोलॉजिकल एमिशंस, पॉल्यूटेंट्स ये ना निकलते हों। इसीलिए आपने देखा कि जो फूड इंडस्ट्री है आमतौर पे वो फूड पार्क अलग से बनाए जाते हैं, कि वहां पे एक जैसी सी इंडस्ट्री होती है सारी फूड बिजनेस से रिलेटेड। तो और जो इंडस्ट्रियल हब होते हैं या इंडस्ट्रियल पार्क होते हैं, उसकी बजाय फूड पार्क के अंदर या ऐसे एरिया में जहां पे इस तरह के पोल्यूशन, इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो लोकेशन और सराउंडिंग से फिर लेआउट या जो डिजाइन है आपकी फैक्ट्री का वो किस तरीके का, उनमें किन बातों का ध्यान रखना है, सीलिंग्स, फ्लोर्स, वॉल्स, डोर्स आराम से क्लीन हो जाए, उनकी सरफेस पे कोई चीज चिपके ना, ये सारी बातें इसके अंदर दे रखी हैं। ड्रेनेज सिस्टम सही हो, ड्रेनेज बैक ना करे, बैक प्रेशर ना हो ड्रेनेज में, इंसेक्ट रोडेंट वगैरह ना हो, या रोकने का साधन होना चाहिए कि ड्रेन के अंदर से भी ये चीजें ना आए, चूहे चाहे, और जितने भी विंडो डोर्स हैं या कोई भी ओपनिंग है उसके ऊपर जाली लगा के रखनी है और उसमें से इंसेक्ट अंदर ना आए, ये ध्यान रखना है। कोई भी पेस्ट है या एनिमल्स हैं, डोर्स के अंदर भी ऑटोमेटिक स्प्रिंग होने चाहिए क्लोजर के लिए, और ऐसा होना चाहिए कि उनकी जाली को निकाल के साफ किया जा सके, धोया जा सके। फिर इक्विपमेंट और कंटेनर्स के बारे में है कि किस तरीके के कंटेनर होने चाहिए, कोई भी टॉक्सिक उसके ऊपर सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, जल्दी उसको क्लीन किया जा सके, डिसइंफेक्ट किया जा सके। इक्विपमेंट में भी यही चीजों का ध्यान रखना है कि उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस इजीली हो सके, साफ सुथरा रखने में आसानी हो। तो आमतौर पर जो स्टेनलेस स्टील है उसका इस्तेमाल होता है इक्विपमेंट्स वगैरह में, कंटेनर भी इसी तरह से, उनके लिड वगैरह होने चाहिए, साफ होने चाहिए। तो ये सारी जो इस तरह की कंडीशंस हैं वो हर एक जो लाइसेंस्ड फूड बिजनेस है उसको माननी पड़ती हैं। फैसिलिटीज में वाटर सप्लाई कैसी होनी चाहिए, पीने का पानी या प्रोसेसिंग में जो पानी यूज होगा वो पोटेबल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, क्लीनिंग के लिए अलग पानी का इस्तेमाल करोगे और वो भी एडिक्वेट क्वांटिटी में होना चाहिए, हॉट एंड कोल्ड दोनों अगर जरूरत पड़ती है तो, रॉ मटेरियल्स को वॉश करने का क्या तरीका होगा, आइस अगर ठंडा करने के लिए यूज कर रहे हो तो उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, स्टीम जो है उसके लिए क्या स्पेसिफिकेशन है, हीटिंग बहुत बार हम फूड इंडस्ट्री में स्टीम से करते हैं। फिर आपके जो ड्रेनेज और वेस्ट डिस्पोजल है उसका क्या सिस्टम है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह, और ये सारे जो आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फैक्ट्री पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसकी आपको हिदायतें हैं वो माननी होंगी। फिर जो लोग आपके इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी बैठने का, उनका कैफेटेरिया, मैस या टॉयलेट्स, ये सारी चीजें किस तरीके की होंगी। 10 मिनट के बाद दोबारा से एक बार ज्वाइन कर लेना भाई, 10 मिनट का आया मेरे पास, दोबारा ज्वाइन कर लेना। फिर एयर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, लाइटिंग का प्रबंध कैसा होना चाहिए, ये सब इसमें दे रखा है। साफ सुथरा हो, और जो भी लाइटिंग के लिए इलेक्ट्रिकल फिक्सचर है अगर वो टूट जाए तो नीचे खाने में ना गिरे, इस तरीके से लगाने। जो फूड ऑपरेशंस और कंट्रोल्स हैं, रॉ मटेरियल को कैसे प्रोक्योर करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, जीएमपी जीएचपी वाले कोर्स के अंदर इसको मैं पूरा डिटेल में करवाऊंगा आपको। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन के शेड्यूल 4 के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट है जो हर एक इंडस्ट्री को माननी होती है। इसके बाद जब आपकी
पार्ट टू कंप्लीट हो जाता है, पर्सनल हाइजीन सारी चीज इसमें कवर होती है, विजिटर्स ट्रेनिंग। तो पार्ट थ्री के अंदर इन्होंने दे रखी है कि जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से रिलेटेड काम करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे कि पेटी वेंडर्स के लिए शेड्यूल फोर के किस पार्ट के अंदर हाइजीन और सैनिटेशन से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, तो वो आएगा पार्ट वन। लाइसेंस्ड फूड बिजनेसेस के लिए किस पार्ट में बताई गई हैं शेड्यूल फोर के, वो पार्ट टू। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्रीज के लिए हाइजीन और सैनिटरी प्रैक्टिसेस किस पार्ट में बताई गई है, वो पार्ट थ्री। और वो सैनिटरी प्रैक्टिसेस क्या है, जब आप प्लांट में जाते हो मिल्क प्लांट में ट्रेनिंग के लिए, तो इन सारी बातों का आपको उसमें ध्यान रखना है कि ये चीजें वहां पे हैं या नहीं। तो हर एक टाइप की जो इंडस्ट्री है उसके लिए अलग अलग है। पार्ट फोर के अंदर मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स के लिए है, तीन में मिल्क प्रोडक्ट्स की, पहले में किसकी थी, शेड्यूल फोर का पार्ट वन किसके लिए था, उसमें ऐसे बिजनेस जिनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, यानी जो पेटी बिजनेसेस हैं, छोटे बिजनेस हैं। पार्ट टू में किसके लिए था, बताओ भाई जवाब दो, ऐसे बिजनेस जिसके लिए लाइसेंस जरूरी है, चाहे वो स्टेट लाइसेंस है चाहे वो सेंट्रल लाइसेंस है। बल्कि ये स्टेट लाइसेंस के लिए, सेंट्रल लाइसेंस के लिए तो शुरू में अलग से इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, लेकिन ये सारी बातें माननी है। पार्ट थ्री किसके लिए था, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। पार्ट फोर मीट प्रोडक्ट्स के लिए। तो मीट का अगर स्लॉटर हाउस है तो स्लॉटर हाउस में किन बातों का ध्यान रखना है वो इसमें बता रखी है। इसको जीएमपी जीएचपी में हम पूरा डिटेल में करेंगे। तो पहले क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना, कैसे लोड करना है, कैसे फिर उसकी स्टनिंग करनी है मारने से पहले, इवन इसमें करंट लेवल्स भी बताए गए हैं। कैटल है तो 1.5 एम्पियर, काव्स जो है 6 महीने तक की एज के 1 एम्पियर, पिग्स के लिए 1.25 एम्पियर, शीप एंड गोट के लिए 1 एम्पियर, और ब्रॉयलर्स और टर्कीज के लिए 100 मिली एम्पियर और 150 मिली एम्पियर। गैस स्टनिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पार्ट फोर में बताई गई है मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स के लिए। इसके अलावा तो नहीं होगा ना इसमें। काफी डिटेल में दे रखा है मीट का, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होने के बहुत चांस रहते हैं, हाईली प्रोन। पार्ट फाइव में केटरिंग या फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट्स, जिसके अंदर होटल आ गए और आपके जो भी गुरुद्वारे के लंगर आ गए, या जहाँ भी प्रसाद बनता है अपने मंदिरों में, वो सारी जगह आ गई जहाँ भी कुछ खाना पीना बनता है। तो पार्ट फाइव के अंदर जो इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनको हम केटरिंग या फूड सर्विस, इवन जो आपके हॉस्पिटल्स हैं वो भी जो इंडोर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए खाना देते हैं, तो उनको भी इन बातों का मानना जरूरी है। तो जहां भी इस तरीके से खाना सर्व होता है उन सभी के लिए ये पांच जो पार्ट हैं शेड्यूल फोर के, इन पांचों पार्टों को जिस जिसके जो पार्ट हिस्से आता है उस हिस्से की जीएमपी जीएचपी की जो सैनिटरी कंडीशंस की या हाइजीन कंडीशंस की जो लिस्ट दी गई है वो मानना जरूरी है। तो इसको डिटेल में हम अगली उसमें करेंगे, जो भी अपना जीएमपी जीएचपी का पार्ट आएगा। अब जो अपने लिए अगली रेगुलेशन एफएसएसएआई ने दे रखी है, हाँ मैं इसका तुम्हें कंपेंडियम दिखा रहा था। ये कंपेंडियम है अपनी रेगुलेशंस का, और इस कंपेंडियम में देखो जगह जगह कुछ ना कुछ इनमें डिटेल मिलेगा। हाँ ये रहा लास्ट में, बीच में 5 जगह इन्होंने मॉडिफिकेशन की है, 1, 2, 3, 4, 5 जो चीज ये इंसर्ट की है 10 जून 2014 के इस लेटर के अनुसार उन्होंने कंपेंडियम में कुछ इंसर्ट किया है, वो एक नंबर पे है।
दो नंबर पे जो चीज है वो ओमिट कर दी है, हटा दिया है, तीन नंबर पे सब्स्टिट्यूट किया है इस लेटर के मुताबिक, फिर चार नंबर पे भी सब्स्टिट्यूट किया है, पांच नंबर पे इंसर्ट किया है इस लेटर के मुताबिक। तो जिस लेटर के मुताबिक अगर रेगुलेशंस में कोई चेंज करने की जरूरत है तो वो चेंज करके उसको उसके कंपेंडियम में डाल दिया गया है। तो कंपेंडियम का मतलब यही है कि ये वो रेगुलेशन जिनके अंदर चेंज कर दिया गया है, और वो चेंज इसमें दिखाए गए हैं कौन कौन से चेंज। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम्हें दिखाता हूँ, कंट्रोल एफ, और ये जो चेंजेस हैं इन्होंने जो बड़ी ब्रैकेट से इंसर्ट किया हुआ, ये रहा। एक नंबर पे बताया है कि ये चीज इन्होंने चेंज की है, चार नंबर पे कुछ और था पहले, उसको अब 60 मंथ्स कर दिया है। अब अगर अपन ओरिजिनल कंपेंडियम साथ खोलें, अच्छा तुम्हें ये शेयर नहीं किया हुआ क्या? कंपेंडियम के लास्ट में देखोगे तो ये जो बता रखे हैं कि अलग अलग लेटर के मुताबिक इन रेगुलेशंस के अंदर क्या क्या चेंज किए गए हैं, तो ये पांच चेंज किए गए हैं, और चेंज जो भी इंसर्ट किए गए हैं वो बड़ी ब्रैकेट से करते हैं। तो जैसे एक नंबर पे कोई चीज इंसर्ट की है तो इससे पहले क्या था ये देखने के लिए अपने को रेगुलेशन खोलनी पड़ेंगी। इस रेगुलेशन में देखोगे आप चौथे पांचवें पेज पे था ये, कि 2.1.2 में ये चीज एक चार और दो ये चीज डाली है या हटाई है। अब क्या हटाया है वो देखते हैं। इसकी फोटो खींच के यहां रखते हैं। नहीं आ पाएगी लटो भाई, दोनों इनको बराबर लगा के दिखाता हूं तुम्हें। यहाँ पे इन्होंने जगह जगह ये चीजें इंसर्ट कर रखी हैं, और इंसर्ट करने से पहले लाइसेंसिंग फॉर फूड बिजनेस 2.1.2 ये रहा। तो यहाँ पे देखो, अंडर दीज रेगुलेशंस बाय मेकिंग से पहले इन्होंने ये पूरी लाइन इंसर्ट कर रखी है। ये पूरी की पूरी लाइन जो एक नंबर पॉइंट और चार नंबर पॉइंट है ये इंसर्ट किया हुआ है, दो नंबर पे ओमिट किया हुआ है, तीन नंबर पे कुछ ओमिट किया है, चार नंबर पे इसको चेंज किया है। तो ये सारे चेंजेस जो भी किए हैं ये करके और इनको सेव किया गया है कंपेंडियम में। तो कंपेंडियम का ये मतलब होता है। अब इसी तरह से अगली जो रेगुलेशन आपकी